कहते हैं गलतियां सभी से होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो नुकसान की जगह हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन आविष्कारों के बारे में जिनका निर्माण गलती से हो गया था। नंबर एक, एक्सरे। क्या आप जानते हैं कि एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था? नहीं जानते तो बता दें कि सन की भौतिक वैज्ञानिक के रूप में विख्यात विलियम रोन्टगेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। दरअसल वे कैथोडिक रेस ट्यूब बनाना चाह रहे थे। इसी दौरान जब लाइट चमक रही थी, तभी उन्होंने देखा कि अपारदर्शी कवर के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा था। वे हैरत से देखने लगे और इस प्रकार एक्सरे का आविष्कार हुआ। नंबर दो, कोका कोला। सिर दर्द के इलाज के लिए दवा बनाने के लिए एक फार्मासिस्ट ने कोला नट और कोला की पत्तियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने संयोगवश दोनों को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिला दिया। बाद में जब उसने टेस्ट किया तो रिजल्ट कोका कोला के रूप में सामने आया। कोला के कारण इसका नाम कोको कोला हो गया और देखते ही देखते यह ड्रिंक पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नंबर तीन, टेफ्लोन। टेफ्लोन का आविष्कार 1938 में साइंटिस्ट रॉय प्लैंकेट ने किया था। दरअसल रॉय रेफ्रिजरेटर के विकल्प की तलाश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुछ सैंपल्स को टाइट बॉक्स में रखा था। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर रखे गैस गायब है और उसकी जगह फिसलनदार रेजिंग के अवशेष बचे हुए हैं। इस अवशेष में हीट और केमिकल्स के प्रतिरोधक क्षमता थी। बाद में नॉन स्टिक कुकरवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और पेटेंट्स के रूप में इसका यूज होने लगा। नंबर चार, वायग्रा। फायर जेट ने दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शरीर में रक्त संचार करने वाली धमनियों के सिकुड़ने में मदद करने के लिए UK92480 के नाम से एक दवा बनाई थी, लेकिन ये दवा दर्द से राहत देने में असफल रही। लेकिन पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर साबित हुई और इसे वायग्रा या वेगरा के नाम से बाजार में उतारा गया, जो कि इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही कि लोग यानी कि पुरुष इसे खरीदने लगे। नंबर पाँच, वेलक्रो। एक ट्रिप के दौरान स्विस इंजीनियर जोस डे मेंस्टल ने अपने पैंट से कुछ बीजों को चिपके देखा। उन्होंने पाया कि ये किसी भी लूप के आकार वाली वस्तु से चिपक जाती है। ऐसे में उन्होंने कृत्रिम लूप तैयार किया और परिणाम स्वरूप वेलवेट और क्रोचेट के कॉम्बिनेशन से वेलक्रो बना। नंबर छः, पटेटो चिप्स। 1853 में जॉर्ज क्रेम नाम के एक शेफ अपने एक कस्टमर के लिए फ्रेंच फ्राई तैयार कर रहे थे। कस्टमर ने कहा कि फ्रेंच फ्राई थोड़ी पतली और कुरकुरी हो। जॉर्ज ने ऐसा ही किया और इस तरीके से पटेटो चिप्स बनी और देखते ही देखते बाजार में इसके नाम से हजारों ब्रांड आ गए। नंबर सात, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने गलती से किया था। वे एक नए वैक्यूम ट्यूब के जरिए रेडार से जुड़े रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए कई मशीन बनाई जो कि उनकी रिसर्च में मदद करते। इस दौरान उन्होंने देखा कि प्रयोग के दौरान उनके जेब में रखा कैंडी बार पिघलने लगा। वे हैरान हो गए और पॉपकॉर्न को उस मशीन के अंदर डाल दिया। पाया कि पॉपकॉर्न फूटने लगा। इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हुआ। नंबर आठ, पेसमेकर। पेसमेकर का आविष्कार भी गलती से हुआ। बायोमेडिकल इंजीनियर जॉन हॉब्स रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंड के कारण धड़कना बंद कर दे तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करने से वह फिर से धड़कना शुरू कर देता है। इसी प्रयोग के चलते पेसमेकर अस्तित्व में आया। नंबर नौ, स्लिंकी। स्वीडन नौसेना में इंजीनियर रहे रिचर्ड जॉन्स ने 1943 में स्लिंकी का आविष्कार किया था। वे नौसेना युद्ध पोतों पर बिजली की निगरानी करने के लिए यंत्र बना रहे थे जो कि स्प्रिंग के सहारे काम करता था। इसी दौरान स्प्रिंग जमीन पर गिरी और बाउंस करने लगी और इस प्रकार गलती से स्लिंकी का आविष्कार हुआ। नंबर 10, पेंसिलिन। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घाव को भरने वाली एक दवा का निर्माण करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए गए सभी चीज़ों को बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ आसपास के सभी बैक्टीरिया समाप्त हो रहे थे। इस तरह से पेंसिलिन का आविष्कार हुआ।